हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है और आने वाले दिनों में भी बरसात लोगों को काफी तंग करने वाली है। बरसात ने प्रदेश में अब तक 22 लोगों की जान ले ली है और 138 करोड़ रुपए के नुकसान का सरकार ने अभी तक अनुमान लगाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बरसात के कारण प्रदेश में बिजली, पानी और सड़कों को नुकसान पहुँचा है। सरकार ने सभी विभागों को बरसात में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है और आने वाले दिनों में बरसात लोगों को काफी तंग करने वाली है। बरसात ने प्रदेश में अब तक 22 लोगों की जान ले ली है और 138 करोड़ के नुकसान का सरकार ने अभी तक अनुमान लगाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बरसात के कारण प्रदेश में बिजली, पानी और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने सभी विभागों को बरसात को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बंदर और कुत्तों के आतंक से लोग काफी दुखी हैं। बंदरों को एक साल के लिए प्रवीण घोषित किया गया है, लेकिन इनको मारने से धार्मिक भावनाएं खड़ी हो रही हैं। सरकार अधिकारियों के साथ बैठक मामले को लेकर जल्द कोई समाधान निकाल लेगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि CPIAM द्वारा HRTC MD कार्यालय के बाहर बसों की कमी को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को राजनीतिक मंशा से करने के आरोप लगाए हैं और कहा कि प्रदेश में बसों की इतनी भी ज्यादा कमी नहीं है कि लोगों को आंदोलन करना पड़े। सरकार ने अधिकारियों को ऐसे रूटों पर जहां बसों की कमी है वहां पर अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ने शिमला में सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर विभागों के कार्यों की समीक्षा की और आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। विभागों को आदेश किए हैं, विशेष तौर से PWD डिपार्टमेंट, IPS डिपार्टमेंट, उसके बाद जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, उन सबको बोला है कि वो तैयारी रखें क्योंकि बारिश होने की संभावना ज्यादा बताई गई है। ये मौसम विभाग की ओर से हमको अलर्ट है ही है। अभी तक इस बरसात के मौसम में लगभग जो नुकसान हुआ, लगभग 138 करोड़ रुपए का नुकसान का असेसमेंट हमारे पास आया है। 22 लोगों की जान भी गई है, इसमें 14 लोग एक ही जगह जो हादसा सोलन के पास जो हुआ था, कुमारहट्टी के पास वो घटना घटित हुई थी वहाँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि भाई वो चौकसी रखें और खास तौर से ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आते जाते जहाँ जिन लोगों को यहाँ की जानकारी नहीं है ज़्यादा, वो लोग उन लोगों को थोड़ा सा जानकारी भी देते रहे कि इस तरफ जाना ठीक है, इस तरफ जाने में थोड़ा सा जहाँ मौसम के कारण सड़क बंद पड़ी है, रास्ता खराब पड़ा है, गाइड प्रॉपरली गाइड।